हाय नमस्कार दोस्त, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं नीतीश टेक ग्राफिक। दोस्तों आज हम बात करेंगे जैसे कि कोई पोस्टर वगैरह जो डिजाइन बनता है पोस्टर या लिफलेट, तो उसमें हम कैसे RGB फाइंड करेंगे। जैसे JPG हो या टेक्स्ट हो, उसका RGB हम देखेंगे, उसको हम CMYK में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यही हम कर रहे हैं, तो ये सब को हम यहाँ पर जा करके पावर क्लिप में हम कंट्रोल दाब करके अब उस पर क्लिक करते हैं, तब हम पावर क्लिप के अंदर चल जाते हैं और फिर बाहर में उसी तरीक़े से कंट्रोल दाब के हम बाहर चलाते हैं। हम यहाँ पर सब देख लेते हैं एक बार RGB वगैरह, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है प्लेटेड भी है, तो हम दोनों को हम फाइंड करेंगे। RGB भी है और इसमें देखिए जहाँ तहाँ प्लेटेड है, तो प्लेटेड देखते हैं कहाँ पर है। तो शायद मेरे हिसाब से ये लोगो जो साइड में उसमें होगा, तो हम पहले एक बार अंदर भी देख लेते हैं कहीं अंदर में नहीं है। तो इसको हम पहले ये सब तो खैर CMYK में है, ये सब जो साइड हुआ ये सब CMYK में, मगर एक बार हम इसको भी बिट मैप मार लेते हैं। तो इसको हम बिट मैप मार के उसके बाद हम सबको एक बार चेक कर लेंगे, एक बार अंदर भी देख लेते हैं पावर क्लिप के अंदर कि कहीं यहाँ नहीं ना आया। तो नहीं, यहाँ पर नहीं है आपका, ये मेरे हिसाब से लग रहा है कि लोगों में होना चाहिए। तो एक बार पहले हम अंदर में भी देख लेते हैं, कुछ है नहीं, चलिए हम बाहर चलते हैं। तो हम कंट्रोल दाब के हम बाहर चलाते हैं, ठीक है। तो पावर क्लिप में अंदर जाने के लिए उसी तरीक़ा से ऊपर में क्लिक करके कंट्रोल दाब के अगर ऊपर में क्लिक करेगा तो आप अंदर चल जाएगा, हम बाहर में कंट्रोल दाब के किसी जगह पर क्लिक करेगा तो आप बाहर चला जाएगा। इसी में नहीं होगा तो इसको हम पूरा सिलेक्ट करके इसको हम फॉर्मेट एति करेंगे, बिट में करेंगे, तो इसी में होना चाहिए लग रहा है उस हिसाब से। तो अब देख लेते हैं एक बार, नहीं है, चलिए तो वो उसी से था। तो हम एक बार ये सब का देख लेते हैं, तो इसमें चारों कलर में ब्लैक है, तो इसको हम एक कलर में ब्लैक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम साथ में ही बिट मैप कर ही दिए हैं। तो एक और देखना है कि एक और है जो कि RGB बता रहा है, जो कि बिट मैप जो JPG फाइल है वो ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पर कोई ना कोई एक RGB है, उसको हम CMYK में करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं सबको पकड़ के, ऐसे तो पता नहीं चल रहा, नहीं तो यहाँ से हम सर्च भी करके देख सकते हैं, मगर देख रहे हैं कि क्यों ना ऐसे ही खोज करके, ज़्यादा इसमें है नहीं इसीलिए हम अंदाज से हम खोजना चाह रहे हैं, शायद ऊपर में होना चाहिए। हम एक बार देख लेते हैं वो सब, तो एक नज़र इसको हम पहले फाइंड एंड रिप्लेस कर देते हैं कलर को, कि जो रहेगा काहे कि ब्लैक नहीं होगा, जो भी है और भी अदर कलर जो होगा वही होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ये है, तो इसको हम यहाँ से बिट मैप मारेंगे, हम शॉर्टकट की बनाए हुए रहते हैं बिट मैप के लिए, तो हम बिट मैप में ना जा करके हम शॉर्टकट मारते हैं तो मेरा बिट मैप मरा जाता है। तो इसी तरीक़ा से है, तो हम इसको अब हम फंड ये अब नहीं है, ठीक है। तो हम इसको हटा करके अब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम पेज साइज जो उसी तरीके से 17.2 ले लेंगे, 22.2 ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा अब हम इसको प्रिंट मारेंगे, मतलब PS हम बनाएंगे। PS बनाने के लिए हम कोरल का जो प्रिंटर होता है उसी को हम चूज करके हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं। तो हम इसको हम प्रिंट करते हैं, तो चलिए आगे का जो भी वीडियो रहेगा उसको हम फास्ट करके देखते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ढेर सारा पोस्टर है तो हम सबको बनाते हैं। फाइल है इसको में क्या किया गया है, जब कर्व किया तो उस समय ये टेक्स्ट टूट गया, तो अब हम इसको अनग्रुप करके ये इसको हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल L मारिएगा तो ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट करके, अगर इस तरीका का रहे तो इसको सिलेक्ट कर लेना है, अगर ग्रुप है तो उसको अनग्रुप करके आप कंट्रोल L मारिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये बिल्ड हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम तो इसको हम उसी तरीके से करेंगे, नहीं तो यहाँ पर जा करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से भी देखिए हो गया है। तो उसी तरीके से हमको सब हम बना लिए हैं, उसके बाद हमको नज़र पड़ा तो ये सभी में है, तो हम उसी तरीके से सब में से जा करके उसी तरीके से फिर से हमको करना पड़ेगा, फिर से हमको पीएस बनाना पड़ेगा। तो ये दूसरा नंबर पर भी है, तो ये सब में हो गया। ये फॉन्ट का कभी कभी लोचा होता है कि आपका अगर फॉन्ट है जैसे ये भारतीय हिंदी या ये सब, कभी कदाल ऐसा होता है कि फॉन्ट में कि आप जैसे कर्व करते हैं तो उस समय मतलब कि ये टूट जाता है, भागता है बहुत ज़्यादा। तो ये कर्व करते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हड़बड़ में ये सब हो जाता है। तो उसी तरीक़ा से हम सब में करेंगे, तो इसका भी हम पीएस बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे में करेंगे। इसको भी सिलेक्ट करके और उसके बाद वहाँ पर जा कर के इसको अनग्रुप करेंगे। उसके बाद पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अनग्रुप करके ऑल अनग्रुप करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल एल कर सकते हैं सिलेक्ट करके। बना लिया। अब हम आ गए सर्वर में, तो सर्वर में नेविगेटर पर अब हम इसको रीप करेंगे 133 डॉट पे। इसको हम यहाँ पर एक बार ब्लैक देख लेंगे कि ब्लैक सेपरेशन गिर रहा है कि नहीं, तो एक नज़र हम जॉब को भी देख लेंगे कि जॉब भी ठीक ठाक है कि नहीं, कि कुछ भागा है, तो ये सब एक नज़र यहाँ पर मार लेना है। तो यहाँ पर उसी तरीका जो हर बार करते हैं उसी तरीका से इसको अब हम यहाँ पर ब्लैक पर डबल क्लिक करेंगे और इसको हम देख लेते हैं कि ये ठीक है। तो बस उसी को अब देखना है कि ब्लैक, जैसे कि पिछला बार मतलब कि इसमें एक बार और पीस बना के लाए थे, तो उसमें भी देख रहे थे कि ब्लैक गिर रहा था, जैसे कि इसमें भी देखिए सब ठीक है, सिर्फ पट्टी है जो कि वो आ रहा है, तो वो उसका डिजाइन ही है, तो डिजाइन में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा मैटर जो है ब्लैक का, वो देखिए इसका कोना में है, जो लोगो है वो आ रहा है। तो अब हम इसको अभी यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको हम फिर से रिप्लेस करके लाएंगे, उसके बाद इसको हम करेंगे। बाकी नेक्स्ट आगे देख लेते हैं ये सब में है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें नहीं है, ये चलेगा ठीक है। इसका लोगो में जो कि डार्क के ब्लू किया हुआ है, उसमें ब्लैक का ब्लैक में मिलाया हुआ है। अगर बुक वगैरह रहता है, प्रोस्पेक्टस रहता है, ज़्यादा लंबा रहता है, तो 2 4 10 पेज दे करके छोड़ देते हैं। और ये तो खैर 2 4 सेट है, 5 सेट है, तो इसको तो खैर देख लेना है सभी को। तो यहाँ पर सिर्फ हमको ये देखे कि नीचे जो ब्लैक है उसको हमको फिर से एक बार उसको रिप्लेस करके लाना पड़ेगा, तो वो हम डाल लेंगे। जिसमें नहीं है वो हम यहाँ पर रहने देंगे, उसको हम पास करके और नेविगेटर रिप करके हम उसको मतलब प्लेट पे सेट करके और उसको मशीन पे चढ़ा देंगे ठीक है। तो बाकी ये सब है, तो इसको तो फिर से हमको रिप्लेस करके मतलब कि कोरल में जाएंगे, उसको रिप्लेस करेंगे और वहाँ से लेकर के आएंगे, तब होगा। तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी जो 3 सेट सही है, तो 3 सेट को हम यहाँ पर प्लेट पे सेट करेंगे और उसको हम मशीन पे डालेंगे। ओके, उसी तरीका से यहाँ प्लेट पर सेट करेंगे और सबको उसके बाद वहाँ से मशीन पे अपलोड करके डाल देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।